नमस्कार दोस्तों, मैं विनायक बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आज की इस नई वीडियो में। क्वारंटीन से रिलेटेड, हवाई यात्रा से रिलेटेड बड़ी अपडेट देने जा रहा हूं, तो वीडियो को पूरा देखिए। उसके पहले अगर आप चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो ताकि आने वाली कोई भी अपडेट आप हमारे चैनल से मिस ना कर सको। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि काफ़ी सारे लोगों की काफ़ी ज़्यादा समस्याएँ हैं एयर ट्रैवल को लेकर, और एयर ट्रैवल में जो सबसे ज़्यादा समस्या देखने के लिए मिल रही है वो है क्वारंटीन वाले मैटर को लेकर। तो आपको बता दें कि गवर्नमेंट एयर ट्रैवल को अब काफ़ी ज़्यादा सिंपल बनाने की राह पर चल रही है, यानी काफ़ी ज़्यादा उसको सिंपल और सरल सुगम बनाना चाहती है, जिसकी वजह से कि गवर्नमेंट अब ये प्लान कर रही है। काफ़ी सारे आग्रह गवर्नमेंट को किए गए हैं, ये सभी दूर किया गया है कि क्वारंटीन के जो रूल हैं उनको थोड़ा सिंपलीफाई किया जाए, थोड़ा सिंपल थोड़ा आसान बनाया जाए, या तो क्वारंटीन वाले सिस्टम को हटा दिया जाए। दोस्तों आपको बता दें ऐसा करना सेफ तो नहीं है, पर काफ़ी ज़्यादा जो डिमांड है वो इस बात को लेकर आ रही है कि क्वारंटीन वाला जो सिस्टम इस वक्त चल रहा है उसको हटा दिया जाए, यानी अगर आप एयर ट्रेवल करके जाते हैं तो आपको क्वारंटीन करने की कोई भी वो नहीं हो। जैसे अगर आप बाहर से इस वक्त आते हैं तो आपको 7 दिन का क्वारंटीन रहना पड़ता है इंस्टीट्यूशनल, और 7 दिन का रहना पड़ता है होम क्वारंटीन। तो होम क्वारंटीन की बात की जा रही है, पर यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन है इसको हटाने की बात की जा रही है। हालांकि कोई भी ऑफिशियल कन्फर्मेशन हटाने को लेकर अभी तक नहीं आया है, पर हो सकता है कि 1 जुलाई या 10 जुलाई से ये क्वारंटीन वाले को लेकर कुछ बड़ा फैसला गवर्नमेंट का सामने आए। तो दोस्तों ये है बड़ी अपडेट इस वक्त की, कैसी लगी आपको कमेंट करके बताइए। अगर आपका कोई भी सवाल सुझाव या सजेशन है तो आप हमें बेशक कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं इंडियन गुरु, मैं आपका दोस्त नायक, मिलता हूं नेक्स्ट वाली जानकारी के साथ। टिल देन जय हिंद, वंदे मातरम।